5 मई को नीट यूजी का एग्जाम होने वाला है, ऐसे में स्टूडेंट्स के पास बहुत कम टाइम बचा है। अब देखिए, तैयारी तो अब शुरू नहीं की होगी किसी ने, ऑलमोस्ट रैप अप करने का टाइम आ गया है। सो ऐसे में ना कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको अवॉइड नहीं करते हैं ना, तो आपको एग्ज़ाम हॉल में ना बहुत मुश्किल आने वाली है। सो क्या वो मिस्टेक्स हैं जो आपको अपनी इस रिविजन या फिर तैयारी कह लीजिए इस फेज में अवॉइड करना चाहिए, मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के जरिए। बस आपको हमारे वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है। हाय, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेकेड। ये वीडियो खास तौर पर नीट वाले बच्चों के लिए है जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं। मुझे पता है कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है, पूरी ही हो गई है, रैप करने का टाइम आ गया है, लेकिन ऐसे में भी आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स है ना, उनको अभी भी अवॉइड कर देना चाहिए। एक तो सबसे पहली बात कि अगर आप एनसीईआरटी की किताबों को नहीं छू रहे हैं, उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं ना, प्लीज़ स्टॉप इट राइट नाउ। आप एनसीईआरटी की किताबों से ही रिवाइज करिए, भले ही आपने कितनी भी बुक्स पढ़ ली हो, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगी। सो आप अभी से एनसीईआरटी के बुक्स को जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू करिए और जितना जल्दी हो सके उसे कंप्लीट करिए। पहली मिस्टेक है, आपको ये नहीं दोहराना है। दूसरा ये है कि आप रिसोर्सेज बार बार चेंज कर रहे हैं, आपको ये भी नहीं करना। देखिए, अब ना आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ऐसे में आपको वन रिसोर्स मल्टीपल रिविजन की तरफ अलाइन होना है। ये नहीं करना कि भाई अब एंड टाइम आ गया है तो बहुत सारी बुक्स लगाएं, ऐसे में आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा और आपको नहीं समझ में आएगा कि भाई कौन सी किताब का पढ़े कौन से का नहीं। अभी भी टाइम है, आप वन बुक मल्टीपल रिविजन की तरफ अलाइन हो जाइए, एक ही किताब को एक ही टॉपिक के लिए बार बार पढ़िए, इधर उधर मत जाइए। अगर आपने ऑनलाइन पढ़ा है तो ऑनलाइन को रेफर करिए, अगर आपने कोई मटेरियल बाहर से खरीदा है तो आप उस पर ही रिलाई करिए। आपको मटेरियल चेंज बार बार नहीं करना है, इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तीसरी बात जो ये है वो ये है कि हम अक्सर तैयारी के लिए ना अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट कर देते हैं और ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तैयारी करिए, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, लेकिन जो आप अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना, वो आपको नहीं करना है। प्रॉपर स्लीप लीजिए, अच्छे से खाइए, टाइम पर खाइए, और रिविजन करते करते ना आपको ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ब्रेक नहीं लेते ना, तो आपका माइंड टायर्ड फील करेगा और आपका फिर बॉडी काम तो करेगा ही नहीं। सो ऐसे में टाइम पर सोना है, टाइम पर खाना है, और साथ ही ब्रेक लेना, ये तीन चीज़ें आपको बहुत अच्छे से करनी है। अगर आप नहीं कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ अभी इसे चेंज कर दीजिए, अदरवाइज आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, आप एग्जाम डे के दिन उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जो अगली मिस्टेक है ना, मुझे लगता है वो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, चाहे वो नीट वाले बच्चे हों, जेई वाले हों, या फिर यूपीएससी वाले बच्चे हों, वो ये है कि आप ना लिख लिख कर प्रैक्टिस नहीं करते। हम क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते रहते हैं, रट्टा लगाते रहते हैं, याद करते रहते हैं, लेकिन हम जब तक उसको प्रैक्टिकली लिख कर नहीं देखेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करके देखेंगे ना, तब तक हमारी प्रिपरेशन कितनी है हमें ये पता ही नहीं चल पाएगा। अगर आप अभी भी सिर्फ और सिर्फ याद कर रहे हैं, रट्टा लगा रहे हैं, तो प्लीज़ स्टॉप दिस। आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए ताकि आपको और अच्छे से मेमोराइज हो जाए। इसके अलावा अगर आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को नहीं पढ़ रहे हैं ना, प्लीज़ उसे जाइए और पढ़िए, उसे समझिए, उसे सॉल्व करिए, ताकि आपको पता हो कि एग्जाम हॉल में कैसे सवाल पूछे जाएंगे, और दूसरा एग्जाम हॉल के प्रेशर के लिए आप तैयार रहें। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिन्हें आपको अभी रोक देना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नीट में सक्सेस होना है ना, तो आपको इन मिस्टेक्स को पूरी तरह से अवॉइड करना होगा। अदरवाइज आपकी कितनी भी प्रिपरेशन क्यों ना हो, आप कहीं ना कहीं लैग करेंगे और उसका इफेक्ट आपके फाइनल रिजल्ट में दिखेगा। सो मेक श्योर कि आप इन मिस्टेक्स को अभी से खत्म करते थे, अभी से रोक देते हैं और अपनी तैयारी को एक नए सिरे से शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स जो इस बार नीट यूजी का एग्जाम देने वाले हैं। अगर आपकी कोई समस्या है, कोई सवाल है, तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। हम पूरी कोशिश करेंगे कि टाइम से पहले पहले आपके हर सवाल का जवाब दे पाएं। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे एक नई जानकारी, एक नई वीडियो लेकर। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।